So welcome back. Let's start with the second topic, which is squaring of numbers between 50 and 60. So ये जो topic है ये भी काफी easy है. Basically आपको 51, 52, 53 से लेके 59 ये सबके squares orally कैसे करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ. ये technique जो है सिर्फ यही numbers के लिए valid है unfortunately. तो एटलीस्ट इसके लिए तो देख लेते हैं पहले. सो 51 का स्क्वायर करना है मुझे फॉर एग्जांपल. सो आपको क्या करना होगा, इसमें जो यूनिट्स प्लेस है तो उसे 25 से ऐड कर दीजिए. तो यहां भी यूनिट्स प्लेस में 1 है, 1 प्लस 25 हो जाएगा 26. और इसके बाद आपको यूनिट्स प्लेस का स्क्वायर करना है. तो 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन आप इसे टू डिजिट फॉर्म में लिखेंगे. तो 1 को टू डिजिट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 01. सो इसका आंसर है 2601. सेम तरीके से अगर मुझे 52 का स्क्वायर करना है तो 52 के स्क्वायर में यूनिट्स प्लेस में 2 है, इसे अगर मैं 25 से ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 27 और 2 का स्क्वायर होता है 4, इसीलिए 04 लिखेंगे. तो इसका आंसर है 2704. सेम तरीके से 53 का अगर मुझे स्क्वायर करना है, सो 53 मतलब यूनिट्स प्लेस पे 3 है, तो 3 प्लस 25 हो जाएगा 28 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आंसर है 2809. सेम तरीके से आप सभी नंबर्स कर सकते हैं. लेट मी गिव यू अनदर कपल ऑफ एग्जांपल्स. मान लीजिए 57 का स्क्वायर है, तो 7 है यूनिट्स प्लेस पे, 7 प्लस 25 होता है 32 और 7 का स्क्वायर है 49, तो इसका आंसर है 3249. 59 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो 59 के यूनिट्स प्लेस पे है 9, 9 प्लस 25 होता है 34 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इसका आंसर है 9 प्लस 25 विल बी 34 और 81, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3481. सो लेट अस वेरीफाई. अगर मुझे 51 का स्क्वायर करना होता तो आंसर आ जाता 2601, जो कि सही है. 52 का स्क्वायर, तो 52 का स्क्वायर है 2704. 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर है 2809. 57 का स्क्वायर, सो 57 का स्क्वायर है 3249. और लास्ट में 59 का स्क्वायर, तो 59 का स्क्वायर है 3481. सो आई होप दिस टेक्निक इज क्लियर. वेरी वेरी इजी, बट ओनली वैलिड फॉर नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60. लेट अस मूव टू टॉपिक 3. टॉपिक 3 इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स विथ सीरीज ऑफ नाइन्स. सो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 1456 इंटू 9999 करना है तो यूजुअली ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, या वी कैन से कि इसे ओरली तो नहीं किया जा सकता. बट आई एम गोइंग टू शो यू वन मेथड विच इज वेरी वेरी इजी. ध्यान से देखिए, 1456 इंटू 9999, तो 1456 में से अगर मैं एक कम कर दूं तो मुझे मिलता है 1455. अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है ये ध्यान से देख लीजिए. आपको करना है 9999 माइनस 1455. तो इसे अगर मैं इस तरह से लिखो, 9999 माइनस 1455, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, 9 माइनस 4 इज 5, 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 5 इज 4. तो इसका मतलब 1456 इंटू 9999 इज नथिंग बट 1455 8544. कितना इजीली 4 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हो गया. इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं.
सो 1456 इंटू 9999 आंसर है 1458544। सो देखा जाए तो ये ओरली भी हो जाएगा, कितना इजी है। लेट्स रिपीट, लेट्स रिवाइज। 1456 इंटू 9999, तो आपको क्या करना है, जो भी पहला नंबर है जो 9999 के साथ है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपको मिलेगा 1455। अभी ओरली देखिए, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, 9 माइनस 5 हो जाएगा 4 और 9 माइनस 5 हो जाएगा 4। अब इसको आगे रखना है, इसको पीछे रखना है, सो फाइनल आंसर इज 1455 8544, एज सिंपल एज दैट। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज द नंबर इज 7654 32 इंटू 9999999। नाउ दिस लुक्स इम्पॉसिबल टू डू ओरली, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। सो ऑब्वियसली पहले 6 डिजिट्स है 7654 31 और उसके बाद 9 माइनस 7 करूंगा तो 2, फिर 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 4 3, 9 माइनस 7 इज 2, 9 माइनस 6 इज 3, 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 4 इज 5, 9 माइनस 3 इज 6 एंड 9 माइनस 2 इज 7। तो ये हमारा आंसर है। ओरली कर दिया इतना बड़ा, देखते हैं शायद कैलकुलेटर भी इसे सॉल्व ना कर पाए। लेट्स सी, 7654 32 मल्टीप्लाई बाय 9999999। तो आप देख सकते हैं 7654 3, 7654 3, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो शायद थोड़ा सा कहीं पे एरर आया है, लेट अस चेक इट अगेन। यस, तो एरर है लिखने में, तो एक्चुअली यहां तक तो सेम आना था 7654 31, फिर 9 माइनस 7 होता है 2, मैंने गलती से 2 बार 2 लिख दिया है, फिर 9 माइनस 6 हो गया 3, 9 माइनस 5 हो गया 4। यस, उसके बाद 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 और ऑब्वियसली लास्ट में 9 माइनस 2 नहीं करना था, मुझे एक नंबर कम लेना था, तो इसीलिए ये हो जाएगा 8। क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो पहले सम में भी हमने 1455 को सब्ट्रैक्ट किया है, 1456 को नहीं। तो बस ओरली करते टाइम वही ध्यान रखना है कि लास्ट जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है उसे कम कर देना है। तो लेट अस टेक 2 3 मोर एग्जांपल्स टू गेट मोर क्लैरिटी। सपोज 143 इंटू 999 करना है, तो सबसे पहले तो 142 हो जाएगा और उसके बाद आप क्या करेंगे, 999 में से 142 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 8 5 और 7, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 142 857। लेट अस वेरीफाई, 143 मल्टीप्लाई बाय 999, आंसर आ गया 142 857। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, 1467 इंटू 9999। सो सबसे पहले तो 1467 का 1466 हो जाएगा और उसके बाद क्या करने को बोला था आपको, जो सेकेंड नंबर है 9999 उसमें से 1466 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 8533। सो फाइनल आंसर इज 1466 8533। लेट अस वेरीफाई दिस, 9999 इंटू 1467, द फाइनल आंसर इज 1466 8533। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी व्हेन द नंबर्स आर नॉट इक्वल। जैसे इस बार में मैंने 3 डिजिट को 3 डिजिट से ही मल्टीप्लाई किया है, 4 डिजिट को 4 डिजिट से, 5 डिजिट को 5 डिजिट से। अगर ऐसा ना हो तो कैसे करेंगे, उसका हम कभी आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।